भाजपा कार्यकर्ता मनीष शर्मा द्वारा अपना जन्मदिन सीएए के समर्थन में मोदी टी स्टॉल लगाकर मनाया गया। इस मौके पर सीएए के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। इस हस्ताक्षर अभियान में 1,00,000 लोगों का लक्ष्य रखा गया है। जो व्यक्ति हस्ताक्षर कर रहा है उसे मोदी चाय फ्री में दी जा रही है। इस अनूठे आयोजन में राह चलते लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और मोदी चाय का लुफ्त उठा रहे हैं। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ता पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यह विपक्ष सीएए को लेकर लोगों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह नागरिकता देने वाला कानून है, ना कि नागरिकता छीने वाला। इसलिए लोगों को किसी भी प्रकार की अफवाह की ओर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। इंदौर से संवाददाता जीवन ठाकुर की रिपोर्ट। मामा जी बताइए, जो सीए के समर्थन में आपने यहाँ पर चाय का जो कार्यक्रम रखा है, क्या है, किस तरह से इस पूरा आयोजन ठीक है? जन्मदिन पे सभी मित्रों द्वारा सोचा गया कि कुछ नया ऐसा कुछ करना चाहिए जो देश हित में हो, तो हमने आज सीए के समर्थन में चाय की दुकान खोली है। और यहाँ पर जो भी सीए के समर्थन में हस्ताक्षर करके जा रही है उसको हम मोदी चाय फ्री पिला रहे हैं और ये सतत जारी रहेगा जब तक 1,00,000 लोग का हस्ताक्षर नहीं हो जाए। आज लगभग सुबह से अभी तक कुल 2100 लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। चाय को लेके जिस तरह का ये कॉन्सेप्ट रखा है, किस तरह ख्याल आया आपको चाय? ये हमारे को सोचने में आया कि ये करना चाहिए हमारे को। नागरिकता कानून जोड़ने वाला कानून है, किसी को निकालने वाला कानून नहीं है। पार्टी के पार्षद भी कांग्रेस में चले गए, सीए के विरोध में गए, उस्मान पटेल। अब वो उनका सोच है। आपके हिसाब से ये कानून क्या देश हित में है? देश हित में बिल्कुल। आपका नाम? मनीष शर्मा मामा। पूरा देश भर में एक विरोध चल रहा है और आप पकड़ के समर्थन दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे निष्ठावान और समर्पित नेता श्री मनीष शर्मा मामा जी का जन्मदिन है। मैं उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आज उनका मित्रमंडल और श्री कैलाश विजयवर्गीय फ्रेंड्स क्लब के संयुक्त तत्वाधान में जब हमने कल मनीष मामा जी से कहा कि मामा जी आप प्रतिवर्षानुसार अपने जन्मदिन पर बड़े बड़े विज्ञापन लगाते हैं, होर्डिंग लगाते हैं, तो मामा जी ने कहा कि इस बार मैं विज्ञापन और होर्डिंग लगाने की बजाय उस पैसे का सदुपयोग करते हुए आज मोदी चाय का टी स्टॉल आप सब कार्यकर्ता लगाएं और साथ ही जो भी व्यक्ति, जो भी आम नागरिक यहां से निकल रहा है, माता बहने पुरुष नौजवान बच्चे, उन सब से आग्रह कर रहे हैं कि वे मोदी जी की चाय की दुकान पर आकर मनीष मामा जी के जन्मदिन के अवसर पर सीएए का जो हमारा कानून बना है उसके समर्थन में हस्ताक्षर करें। और यह हमारी भावना है कि हम देश के प्रधानमंत्री जो कि एक चाय बेचने वाले हैं, हम उनके साथ हैं, किंतु देश के गद्दार और देश बेचने वाले लोगों के साथ नहीं है। हम पुनः मनीष मामा को सब लोग जन्मदिन की बधाई देते, नमस्कार, भारत माता की जय। आपका नाम? सुमित मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष इंदौर। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।